राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने बिहार के नए राज्यपाल, फागू चौहान मेघालय के गवर्नर नियुक्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई नए राज्यपालों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है। कई राज्यों के राज्यपालों को आज बदला गया है। इसी कड़ी में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। आर्लेकर पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, वहीं फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र आर्लेकर का जन्म 23 अप्रैल 1954 को गोवा के पणजी में हुआ था। उन्होंने MES कॉलेज वास्को डी गामा गोवा से अपनी डिग्री पूरी की और प्राप्त की। आर्लेकर बचपन से ही RSS संघ से जुड़े थे। साल 1989 में आर्लेकर भाजपा में शामिल हुए। वह उस समय केवल 35 वर्ष के थे जब उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। राजेंद्र आर्लेकर गोवा सरकार में कैबिनेट मंत्री और गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साल 2012 में उन्हें गोवा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 3 साल तक स्पीकर के रूप में अपनी भूमिका बनाए रखी। फिर 2015 में कैबिनेट में फेरबदल के दौरान उन्हें गोवा का पर्यावरण और वन मंत्री नियुक्त किया गया। गोवा विधानसभा को कागज रहित बनाने को लेकर राजेंद्र आर्लेकर की आज भी सराहना होती है। गोवा विधानसभा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। 6 जुलाई 2021 को उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जब बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया।